इन दिनों आगरा में लूट, डकैती, चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसको देखते हुए आगरा अधिवक्ताओं ने बताया कि बेरोजगारी के कारण इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। यदि लोगों को रोजगार मिल जाए तो व्यक्ति अपने काम में व्यस्त रहेगा, न युवा बेरोजगार रहेगा, न महंगाई चरम पर जाएगी, जिससे कि पेट भरने के लोग कुछ भी नहीं करेंगे। सबसे बड़ी घटनाएं ये हैं कि हमारे पूरे भारत देश में आदमी बेरोजगार हो गया है, और जहाँ पर अधिक जनसंख्या है, जैसे उत्तर प्रदेश है हमारा, उत्तर प्रदेश में भी आगरा मुख्य है, ऐसी जगहों पर जब आदमी बेरोजगार हो गया तो उनको अपना भोजन पानी के लिए जो पैसे की आवश्यकता है, तो आदमियों को काम धंधा नहीं है तो वो अपराध को अंजाम दे रहा है, चोरी, लूट, डकैती। बाकी का इसमें ये नहीं, जज के घर में भी चोरी हुई है, जजों के घर में भी, कैंपस में जजों के में चोरी हो रही है। उसका कारण ये आदमी को अपने पेट की भूख के सामने अपनी जान प्यारी नहीं लग रही है, इसलिए आदमी जजों से लेकर पुलिस तक सबके यहाँ चोरी किए जा रहा है। बेरोजगारी इसका मुख्य मुद्दा है। मैडम, ऐसा है कि आप विगत कई दिनों से देख रहे हैं, जब से हमारी सरकार जो है पाबंदी नहीं लगा पा रही चोरों पर, क्योंकि इस समय बेरोजगारी सबसे बड़ी भूमिका है चोरों के लिए। जब तक आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा तो चोरी उल्टा सीधा काम तो करेगा ही करेगा। चैन स्केचिंग जो अधिकारियों की चोरी हो रही है, पुलिस लाइन में भी चोरी बता रहे हैं आप, हो रही हैं, और भी कई नेताओं की जो चैन स्कैनिंग वगैरह ये सब हो रहे हैं, ये अपराध में अंकुश तब लगाया जा सकता है जब आदमी के लिए रोजगार के साधन हो। अपराधी तो और ज़्यादा अपराध करेगा, जब उसको खाना खर्चा नहीं मिलेगा, जब कोई चीज़ उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो वो चोरी तो करेगा ही। फ्री का चाहिए, आजकल शौक पहुँच बहुत हो गए, मोबाइल भी चाहिए, फैसिलिटी भी चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो आदमी कहाँ से लाएगा, चोरी तो करेगा ही करेगा। ये है।